हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक इस्मा फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आपको आज जीवन परिचय तुलसीदास का हिंदी में। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अपने चैनल पर हैं वीडियो छोड़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड से लाल बटन लगे घंटी तो दबाएं, इससे वीडियो का रोज मिलती है। स्टूडेंट्स, कराएंगे आपको जीवन परिचय तुलसीदास का, जीवन परिचय कराएंगे और उसकी रचना कराएंगे। ओके स्टूडेंट, ध्यान दिए, कहते हैं स्टार्ट, देखिए ध्यान दिए। अंत सुखाए कविता करने वाले तुलसीदास ने राम नाम की पवित्र गंगा को जन जन तक पहुंचाया। तुलसी के जन्म के संबंध में ये दोहा प्रसिद्ध है। ध्यान दिए स्टूडेंट्स, 1554 विषे कालिंदी के तीर श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। ओके स्टूडेंट्स, आगे ध्यान दिए। इस प्रकार आपका जन्म स्वान 1554 सन 1497 ईस्वी में ठहराया गया है। तुलसीदास का जन्म स्थान बांधा जिले के राजापुर नामक ग्राम को माना जाता है। कुछ लोग इनका स्थान सोरों जिला इटा भी मानते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ डिटेल हैं, आप इनको पढ़ लिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे ध्यान दिए। जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। इनके विषय में ये कहा जाता है कि ये अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए थे। बचपन में माता पिता का देहांत हो जाने से उन्हें नरहरिदास ने पाला था। राम की कथा तुलसी ने अपने गुरु नरहरिदास से सही सुनी। काशी में इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। ध्यान के बाद तुलसी का विवाह दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। उसके प्रेम में ये अपना सब कुछ भूल बैठे थे। एक बार रत्नावली मायके चली गई तो ये भी आधी रात को नदी पार कर ससुराल पहुंच गए। रत्नावली ने इस मोह ममता की निंदा की। तुलसी की आंखें खुल गईं। पत्नी के उपदेश से तुलसी को इस संसार से वैराग्य हुआ। विरक्त होकर ये प्रयाग काशी चित्रकूट अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों पर गए। इस यात्रा में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और अन्य अनेक काव्य ग्रंथ लिखे। तुलसीदास अपने जीवन के अंतिम दिनों में मुक्ति देने वाली काशी आ गए थे। स्वांत 1680 सन 1623 में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के विषय में ये दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर श्रवण कृष्ण ती शनि तुलसी तजियो शरीर। ओके बच्चों, ये कुछ डिटेल हैं, आप इनको एक बार पढ़ लें। ओके बच्चों, आगे ही करवाते हैं इनकी रचनाएं। महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पहली देखिए, रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें कवि ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र का गुणगान किया है। दूसरा देखिए, विनय पत्रिका। भक्ति भावना से पूर्ण विनय पत्रिका में तुलसी का विनय भावना और दार्शनिक विचार व्याहत है। गीतावली, कवितावली, रामलाल नेचु, दोहावली, पार्वती मंगल, प्रशानवली, वैराग्य संदीपनी, जानकारी मंगल आदि तुलसी के प्रमुख रचनाएं हैं। ओके बच्चों, ये मैंने कहा दिया तुलसी अथवा जीवन परिचय, इसको आप अच्छे से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।